मेरे जो पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे शिव और प्रियंका, दे वेंट अगेंस्ट मी. प्रियंका ने सी, मेरा क्या है कि जब तक सामने वाला मुझे धोखा नहीं देगा मैं नहीं दूंगी. कैसे टारगेट किया जा रहा है वो तो दूसरों के मुद्दों में पढ़ के फंस के वो करती हैं. आई थिंक इट मस्ट बी जस्ट फॉर टिकट टू फिनाले को लेकर कईयों का मानना है ट्विटर पे भी सोशल मीडिया पे कि निमृत को थोड़ा सा प्लेटर पे मिला. नमो नमो देवी कन्वीनियंस की. हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबकी चाहिए थी सौंदर्य. सौंदर्य सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के. क्या हुआ ये एकदम एन वक्त पे पहुंचते बहुत शकुनी मामा ये अंदर षड्यंत्र गिरी. सो बेसिकली आई एम आउट टुडे बिकॉज ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स, नॉट बिकॉज ऑफ एविक्शन. वोटिंग सिस्टम आई वॉज सेव्ड, बट आज इंटरनल वोटिंग के कारण मेरे जो पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे शिव और प्रियंका, दे वेंट अगेंस्ट मी और उसकी वजह से हुआ है. पिछले कुछ दिनों में देखा गया था थोड़े से आप अकेले हो गए थे, आपके फैंस ने भी काफ़ी ट्वीट किया था कि शी इज़ अलोन. कुछ कहना चाहिए? दैट वॉज बाई चॉइस, क्योंकि आपको पता होगा कि शायद इतनी मेरी जर्नी में आपने देख लिया होगा कि मैं झूठ मूठ के लिए ऐसी खड़े नहीं हो जाती हूँ. अगर मुझे नहीं फील होगा तो मैं नहीं बात करूँगी. आई रैदर बी ऑन माई ओन देन हैव अ प्रिटेंशियस रिलेशनशिप और दोस्ती. सो अलोन नहीं, वहाँ पे सभी अलोन थे बट सब एक दूसरे का सहारा ढूंढ रहे थे. तो जिन्होंने सहारे के साथ स्टिक करके रखा वो अभी चल रहे हैं और अभी भी पॉलिटिक्स चल रही है. जो नहीं किया आई कॉन्ट, यू नो आई एम नॉट अ पीपल प्लीजर दैट वे. सो आई एम हियर टॉकिंग टू यू टुडे. बट प्रियंका एंड अर्चना दोनों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है एक वक्त पे, अगेन अप्स एंड डाउन्स हुए, जाते जाते काफ़ी लो फेज पे हुआ था, कुछ बताएं. अर्चना के साथ एक डेफिनेटली मेरा हुआ था शिव को लेके, और उसने कहा था कि उन्होंने ही तुम्हें नॉमिनेट किया है और उसी के लिए तुम बोल रही हो. बट मेरी बात यह है कि अगर आप गलत हो तो गलत हो, सही हो तो सही हो. उनको ये था कि सबके सामने क्यों बोला, पर्सनली बोल सकते थे. और आपका एक टीना से पर्सनल झगड़ा हुआ था तो आप भी, आई सेड उन्होंने बोला है तो मुझे डिफेंड करना पड़ेगा, आई कॉन्ट जस्ट स्टैंड देयर लाइक अ डक. बाकी रही बात गलत की, क्योंकि अर्चना को लगता ही नहीं था बहुत जगह कि वो गलत हैं, जिसकी वजह से मैं गलत दिखने लगी थी जब मैंने उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई. हालांकि मैं प्रोटेक्टिव होती थी और उनको रूम में समझाती थी, सबके सामने नहीं समझाती थी, बिकॉज इट्स नॉट इन माई नेचर कि मैं अपने दोस्त को नीचा दिखाऊं सबके सामने, क्योंकि एज इट इज़ उसके ऊपर पूरा घर चढ़ जाता था. सो आई हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर एंड आई रियली सपोर्टेड. बट उस दिन मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा ये फिर गलत डायरेक्शन में जा रहा है. एंड आई टुक अ स्टैंड, जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं बात नहीं करूँगी. तो वही था, इसी वजह से आपको लगा होगा, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं था. प्रियंका ने सी, मेरा क्या है कि जब तक सामने वाला मुझे धोखा नहीं देगा मैं नहीं दूंगी. उनके साथ मैंने शिद्दत से 5 हफ्ता दोस्ती निभाई. जब कैप्टेंसी के टास्क में उन्होंने मेरी जगह विकास को प्रेफर किया और मैंने कहा था कोई और प्रेफरेंस भी होगा तो चलेगा, विच इज़ ओके. बट उनका वो कॉन्शियस डिसीजन था, क्योंकि उनको लगा कि शायद मैं बहुत स्ट्रांग हूँ उनके लिए और विच विल नॉट बी अ वेरी ग्रेट मूव फॉर हर. और वो बहुत कैलकुलेटिवली चीज़ें कर रही हैं, ऐसा मेरा मानना है. तो उन्होंने फिर मुझे कैप्टनसी में नहीं चुना, जिसके कारण मैंने उन्हें नॉमिनेट किया. और फिर उसका बदला उन्होंने इस बार एक इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड पे लिया. वो भूल गई कि मैंने उन्हें नॉमिनेशन से भी सेव किया था, उनको और अंकित को. मैंने उनको अपना राशन भी दिया था. सो एनीवे, गुड फॉर देम, गॉड ब्लेस देम. कईयों का मानना है कि प्रियंका को घर में टारगेट किया जा रहा है, वुड यू अग्री टू दैट? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. कैसे टारगेट किया जा रहा है वो तो दूसरों के मुद्दों में पढ़ के फंस के वो करती हैं. आई थिंक इट मस्ट बी जस्ट फॉर समथिंग एंड आई डोंट थिंक सो. बीइंग एन इनसाइडर मुझे नहीं लगता है, ऑडियंस को लगता है, तो आई रिस्पेक्ट देयर व्यूज व्हाटएवर. शिव के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी बट अगेन जाते जाते थोड़ा लास्ट वीक में थोड़ा वहाँ भी अप एंड डाउन हो गया. सी क्या होता है ना कि एक म्यान में दो तलवारें शायद नहीं रह सकती हैं. ये मेरा मानना है. और मुझे साजिद जी ने जाने के पहले भी ये वॉर्न किया था और प्यार से समझाया था कि मेक अप योर डिफरेंसेस विद शिव, जो कि मैंने कोशिश भी की बट उनकी एक धारणा है. और वही मैंने कहा कि अगर आपको कोई स्ट्रांग लगता है तो डेफिनेटली आप उसको अपने साथ एक पॉइंट पे नहीं देखना चाहोगे. मैं नहीं कहती कि वो वीक हैं, बट उनके नज़रिए में जो उनको लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, आप डेफिनेटली उनको तो नहीं रखोगे, क्योंकि आपको भी ये ट्रॉफी जीतनी है. और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये भी था कि उनकी क्या धारणा है. जब मैंने टिकट टू फिनाले वीक में निमृत के लिए किया, मंडली का हिस्सा ना होते हुए भी, ये बहुत बड़ा बोल्ड मूव है कि मैं अपने लोगों के लिए जिन पर मैं विश्वास करती हूँ उनके लिए करती हूँ. और उन्होंने उसका नाम तक नहीं लिया था और सडनली उसमें वो डिफेंसिव हो गए, उनको बुरा लगा और उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे पर्सनल अटैक्स किए ज़बरदस्ती के, जिसकी उन्हें इल्म ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है उस ड्यूरेशन में, जिसका आज आप एपिसोड देखेंगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे. आज का एपिसोड में सलमान सर से जो जो डिस्कशंस हुए, आई होप वो दैट दोज आर बीइंग शोन नाउ. सो या
बट टिकट टू फिनाले को लेकर कईयों का मानना है ट्विटर पे भी सोशल मीडिया पे कि निमृत को थोड़ा सा प्लेटर पे मिला, वुड यू एग्री? या मे बी वो बिग बॉस का कॉल था, अभी उसके लिए मैं क्या बोलूँ, वो लगेगा तो ऐसा ही। एंड प्रियंका एंड निमृत राइवलरी द वन जो डे वन से शुरू हुई थी आज तक चल रही है, क्या कहना चाहिए? वो है, उनका मनमुटाव है कुछ, उन्होंने प्रियंका की तरफ से भी और उनकी तरफ से भी रिएक्शन ज़्यादा आए हैं तो वो बढ़ भी गया है। वट एवर वर्क्स फॉर एनी वन, बट निमृत जितना मैं उनको जानती हूँ उनको जेन्युइनली लगा होगा, और सबके अपने पर्सनल एक हो जाते हैं ना, जैसे शिव का मुझसे हो गया, प्रियंका का मुझसे हो गया, इमिजिएटली उन्होंने टारगेट किया, और उन्होंने किया तो उनके साथ के जो स्टैन हैं ये हैं वो लोगों ने किया, टीना ने किया, तो अपने बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस से लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा के सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा निमृत ने और आपने जो आरती बनाई थी प्रियंका वाली उसके बारे में लोग बहुत कर रहे हैं कुछ नहीं, मैंने उनको ये गाना बना के सुनाया था कि नमो नमो देवी कन्वीनियंस की, मतलब वो अपने कन्वीनियंस से हर चीज़ का साथ देती हैं, विमेन कार्ड हो कोई भी कार्ड हो, मेरे बारे में बहुत चीज़ें बोली गई जहाँ वो साइलेंट रहीं, अर्चना के बारे में बोली गई वो बहुत साइलेंट रहीं, और जहाँ वो इजीली स्टैंड ले सकती थी शिव ले सकते थे, बट क्योंकि वो मैं थी उन्होंने नहीं ली, अगर कोई और होता तो वो हर वो मुद्दे में पैर अड़ाती, सो आई फील दैट वे। चलते चलते फटाफट मास्टर माइंड कौन? सभी मास्टर माइंड हैं। डबल ढोलकी बहुत है, डबल ढोलकी, नो 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 नो, एवरीबॉडी इज डबल ढोलकी राइट नाउ। मीठी छुरी टीना फॉर श्योर, तीखी मिर्च अर्चना, वो तो एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कहा था, बट अगर मैं एड़ा बन के पेड़ा होती तो मैं यहाँ इंटरव्यू नहीं दे रही होती, मैं अलायंस बना के बैठी होती, इससे पता लगता है दैट आई प्लेड ऑन माय ओन व्हाट एवर माय जर्नी वाज। फरेबी शालीन फरेबी तो है, टीना भी फरेबी है। लास्टली किसको देखते हैं आप टॉप थ्री में? पोटेंशियल टॉप थ्री वॉज हियर इन फ्रंट ऑफ यू, बाकी टॉप थ्री मुझे नहीं पता एक्चुअली, बट मेरा सॉफ्ट कॉर्नर और मुझे लगता है उसके अंदर पोटेंशियल है अर्चना, एक्चुअली जो है वो है सामने है, लाइक इट और यू मे नॉट लाइक इट, अर्चना होनी चाहिए, सुंबुल होनी चाहिए, आई फील निमृत भी हो सकती है। चलिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स। अर्चना के साथ एक डेफिनेटली मेरा हुआ था शिव को लेके, और उसने कहा था कि उन्होंने ही तुम्हें नॉमिनेट किया है और उसी के लिए तुम बोल रही हो, बट मेरी बात यह है कि अगर आप गलत हो तो गलत हो, सही हो तो सही हो, उनको ये था कि सबके सामने क्यों बोला, पर्सनली बोल सकते थे, और आपका एक टीना से पर्सनल झगड़ा हुआ था तो